वो तो आपने दिखा होगा, मैं बनारस गया था, मैं 3-4 दिन मुझे लगे बनारस में, उस मोहल्ले में मैं घूमा काफ़ी, अल्टीमेटली मुझे मिला वो घर। आई थिंक के वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है किसी की ज़िंदगी में भी, तो इट्स अ वेरी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। नहीं, मैंने ये अफवाहें सुनी हैं लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। एक्चुअली मैंने जब वो कहा था, मेरा मतलब था कि चूँकि फिल्म पेट्रियाटिक फिल्म है, भारत की बेटियों के ऊपर फिल्म है, तो 15 अगस्त जैसी डेट उसके लिए आइडियल है, लेकिन 15 अगस्त को हम नहीं आ रहे हैं, हम आ रहे हैं क्रिसमस में, हम क्रिसमस में ही आ रहे हैं, क्योंकि 15 तक तो हम तैयार भी नहीं होंगे, हमारी डेट हमेशा से क्रिसमस की डेट रही है। वो तो मैंने एग्जांपल दिया था कि बिकॉज इट इज़ अ पेट्रियाटिक फिल्म, 15th अगस्त इज़ एन आइडियल डेट, बट वी कांट कम ऑन 15th अगस्त, वी आर कमिंग ऑन क्रिसमस ओनली, क्रिसमस में ही आ रहे हैं हम। इस साल मैं एक्चुअली अपनी अम्मी के साथ ही हूँ, दिन भर मैं फैमिली के साथ ही हूँ, और शाम को मैं और जो हमारे परिवार के लोग हैं, मेरे भाई, मेरे दो बहनें, फैमिली के जितने लोग हैं, हम सब अम्मी के यहाँ मिल रहे हैं, और अम्मी के साथ ही रहूँगा मैं आज। रेजोल्यूशन, मेरी कोशिश ये रहती है कि हर साल मैं कुछ ना कुछ नया सीखूँ, ये मेरी कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ नई चीज़ मैं सीखूँ तो अच्छा। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है, मैंने बताया आपको, अम्मी का जो घर है जिसमें उनका बचपन बीता, वो मुझे उनके लिए खरीद के उनको गिफ्ट में देना है। आमिर, कोई किरदार, अगर 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 मुमकिन हो सके तो, अगर आमिर कोई किरदार रह गया जो आप करना चाहते हैं? किरदार तो बहुत है। मुझे एक तो महाभारत में कर्ण का किरदार बहुत ही पसंद है, कृष्णा का किरदार बहुत ही पसंद है। जी, दंगल में पैट्रियटिज्म की बातें हैं। जी, आजकल पैट्रियटिज्म की बहुत हल्ला है, मतलब पैट्रियटिज्म आप कैसे डिफाइन करते हैं? आई थिंक मेरे लिए दिल में अगर आपके प्रेम हो, सबसे पहले पेट्रियाटिज्म के लिए मुझे लगता है कि दिल में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, दिल में प्रेम, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति प्रेम और सेंसिटिविटी, आई थिंक इज व्हाट फॉर मी इज़ पेट्रियाटिज्म, वांटिंग टू कंट्रीब्यूट इन एनी वे पॉसिबल टू इम्प्रूविंग लाइव्स ऑफ अदर्स एंड योरसेल्फ अराउंड, तो होते रहता है जिंदगी का एक हिस्सा है। हाँ, वजन मैंने कम किया लुक वाइज, कुछ चेंज है। देखिए, दंगल फिल्म में मैंने वजन बढ़ाया, 95 kgs तक मैं पहुंच गया था। आज मैं तो दंगल में जो मोटापा का जो शूटिंग था वो पूरा हो चुका है, और फिर मैंने वेट कम करना शुरू किया, तो 95 से कम होके इस वक्त मैं 82 पे आ गया हूँ, 13 किलो कम हुए और अब 12 किलो बाकी हैं, तो 50% मतलब आधे मार्क पे आ गया हूँ मैं। अभी आप गजनी वाले, गजनी लुक चाहिए मुझे, मेरा एम है गजनी की लुक, जैसे सुशील कुमार जी की जो लुक है, बहुत ही मस्कुलर और लो बॉडी फैट, जैसे गजनी में जो मेरी लुक थी, तो वो उस किस्म का जो उस किस्म की जो बॉडी है वो मेरा फाइनल एम है। तो इस वक्त मैं आधे रास्ते तक पहुँच चुका हूँ। वेट गेन करना तो बहुत इजी है, आप जो चाहें खाइए, और इट्स इजी टू गेन वेट, नॉट फॉर एवरीबडी, सम पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेन वेट, बट मोस्टली इट्स इजी टू पुट ऑन वेट, वेट कम करना और शेप में आना, बॉडी फैट परसेंटेज कम करना मुश्किल होता है, तो इस वक्त मैं वही कर रहा हूँ कोशिश।